नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी वारदात सामने आई है। महिला का अवैध संबंध, मोहब्बत का जाल बिछाकर दी पति की बलि, फिर कातिल ने ही खोला काले कारनामों का राज। महासमुंद जिले के सिरपुर के ग्राम अमलो के जंगल में 4 माह पहले हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ही निकली। पुलिस ने इस पूरे मामले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 302, 120 बी, 201, 34 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। बता दें कि मृतक रविशंकर 7 सितंबर को घर से रायपुर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन घर वापस नहीं पहुंचा। मृतक की पत्नी विद्या कमलवंशी ने सिरपुर चौकी में जाकर अपने पति के गुम होने की सूचना देकर खोजने चली गई। विद्या को झरना जंगल में एक स्कूटी मिली और वहीं पास में उसके पति की लाश मिली, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हालांकि पुलिस को शक था कि कहीं पत्नी ही हत्यारी न हो, क्योंकि पत्नी ने ही अपने पति की लाश खोजकर पुलिस को बताई थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी से कड़ाई से पूछताछ किया तो सारी कहानी सामने आ गई। विद्या का अपनी पति से अनबन चल रहा था और पत्नी विद्या का अवैध संबंध विक्रम से हो गया था। दोनों ने मिलकर मृतक रवि को हटाने के लिए एक प्लान बनाया। प्लान के अनुसार परमेश्वरी ने मृतक को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर सिरपुर के अमलो जंगल लाया, जहां चारों आरोपी विद्या, विक्रम, परमेश्वरी और भास्कर ने मिलकर रड़े से मारकर रवि की हत्या कर दी। पुलिस इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है।